हेलो क्रिकेट बड़ीज, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बड़ी। तो दोस्तों आज तीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और हालांकि तीनों तीन काफ़ी सीरियस है। तो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि भाई हमें पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता, और इसके बारे में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक होने वाला है कि भाई हम खुद घर पर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके बारे में। और तीसरा टॉपिक होने वाला है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि पैसे की भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे सॉल्व करें, जो कि इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी मैंने नहीं बनाए। तो पहला है, तो चलिए ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो देखो, पेरेंट्स का सिंपल एक ही रीज़न होता है कि भी आप खुद ज़्यादा पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, क्रिकेट पे कम ध्यान दो। तो वही उनका मेन रीज़न होता है कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। तो अब आप क्या कर सकते हो भाई, सबसे पहले तो आपने सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि पेरेंट्स के साथ खुद बात करना, ठीक है, तभी जाके उसका सॉल्यूशन निकलेगा। आपको आमने सामने बैठ के बात करनी पड़ेगी और आखिर में वो आपके पेरेंट्स हैं तो आपकी बात भी समझेंगे। तो आपको पता चल गया कि भाई पेरेंट्स क्या चाहते हैं, ठीक है, तो अब आपके पास एडवांटेज है कि आप इसे कैसे सॉल्व करो। आपके पास एडवांटेज क्या है कि आपको पता है कि पेरेंट्स को चाहिए कि भाई आप ज़्यादा पढ़ाई करो। तो अब आप एक पूरा अपना खुद का टाइम टेबल भी बना सकते हो कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ाई करने वाला हूँ और सिर्फ दो या तीन ही घंटे मैं क्रिकेट खेलने जाने वाला हूँ। तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, पूरा टाइम टेबल बना दो कि भाई मैं रात को ज़्यादा देर तक पढ़ने वाला हूँ या फिर सुबह जल्दी उठ के इतने घंटे पढ़ने वाला हूँ। तो पूरा शेड्यूल उनको दे दो। अगर फिर भी नहीं माने तो एक डेडलाइन भी आप दे सकते हो कि भाई मेरे को एक वीक, दो वीक या फिर चार हफ्ते या फिर एक महीना आप मेरे को चेक कर लो, ठीक है, मैं उतने घंटे पढ़ता हूँ कि नहीं। अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो क्रिकेट के लिए सपोर्ट करो, तो वैसे सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि डायरेक्टली आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि भाई आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, तो आपका आउटडोर एक्टिविटी भी हो जाएगा जो कि आप क्रिकेट में जाओगे, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप चल रहे होगे ना तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आमने सामने बैठ के बात करो तो यही होने वाला है सबसे बड़ा सॉल्यूशन। चलिए अब दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं कि भाई खुद घर पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो, इसका आंसर मैंने काफ़ी बार दिया है और काफ़ी वीडियोस भी है इसके बारे में, तो यहाँ पे एक दो थंबनेल भी आप देख रहे होंगे, तो ये वीडियोस ज़रूर देखो, फिर शायद आई बटन में भी लिंक आ रही होगी। तो वो सारे वीडियोज़ में क्या पता है कि ये 11 ड्रिल आप खुद घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ये 9 ड्रिल आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वैसे सारे वीडियोज़ है, तो वो सारी ड्रिल्स आप खुद घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक और सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, वो है कि भाई एकेडमी में आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आपका ग्रुप में प्रैक्टिस होगी ना, तो वहाँ पे आपको कंपटीशन भी मिलेगा, तब जाके आपका कुछ फ़ायदा होगा। वरना अकेले करोगे ना तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन सिर्फ पूरा वही है तो फिर थोड़ा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आपने कंपटीशन उतना फेस नहीं किया होगा। तो एकेडमी में आपको जाना चाहिए, वो मेरा सॉल्यूशन रहेगा। और प्लस घर पर प्रैक्टिस करने के लिए तो ये वीडियोस है, तो वो आप देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब वीडियो के हार्ट के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि सबसे मेन टॉपिक है कि भाई पैसे की प्रॉब्लम होती है। तो एक बात समझ लो, एक्चुअली दो बात समझने वाली है, कि पहली बात ये है कि भाई ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स इसको फेस करते हैं। तो और एक और चीज़ है कि वो जो आपकी प्रॉब्लम है, कि मान लो कि पैसे की प्रॉब्लम है आपको, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं तीन चार सोल्यूशन देने वाला हूँ कि भाई आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ रहेगी कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। आपके कई सब्सक्राइबर्स के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मैं खुद यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, तो देखो आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई ना नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि यूट्यूब में एक साल या फिर आपका दो साल लग जाएगा, उसके बाद आपको पैसा आएगा। लेकिन हमें एकेडमी ज्वाइन करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्विक मनी। तो क्या कर सकते हो आप लोग, देखो अगर मान लो आपके पास पर्टिकुलर कोई टैलेंट हो, ठीक है, जैसे कि अभी आपको फोटो एडिटिंग काफ़ी अच्छा आता है या फिर वीडियो एडिटिंग काफ़ी अच्छा आता है, तो उसका आप वैसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो ये सारी चीज़ें, और एक रीज़नेबल चार्ज रख सकते हो। तो क्या ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे, तो उतना तो हो जाएगा कि आप अपनी एकेडमी की फ़ी पे कर सकते हो। तो एक एडिटिंग का ऑप्शन हो गया कि आपको कोई भी टैलेंट हो वो चीज़ आप कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि आप उसमें अब यहाँ पे अटकना नहीं है, उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने फेसबुक अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम होगा, तो जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी में ये चीज़ें शेयर कर दो कि भाई मैं ऐसा ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ एक पार्ट टाइम कर सकते हो। फिर दूसरा चीज़ है कि भी आप खुद एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो उसमें इतना हो जाएगा कि आप एकेडमी की फ़ी पे कर सकते हो, लेकिन अब कुछ पेरेंट्स आपको ना भी बोलेंगे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, तो वो चीज़ तो आपकी कट जाएगी, ठीक है। तो और एक लास्ट सॉल्यूशन है, वो है कि क्या है, काफ़ी सारी एकेडमीज होती है, तो वो क्या करती है, वो असिस्टेंट कोचेस हायर करते हैं, तो उसमें आपका नंबर लग सकता है। अगर आपके पास क्रिकेट की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज भी है, तो भी चलेगा।
उससे क्या होगा, बेसिक नॉलेज से आप छोटे बच्चे को क्रिकेट सिखा सकते हो, ठीक है, बैट होल्डिंग हो गया, फ्रंट फुट डिफेंस हो गया, तो वो सारी चीज़ें आप उनको सिखा सकते हो बेसिक एकदम। तो उसके लिए भी काफ़ी सारी एकेडमीज होती है जो असिस्टेंट कोचेस हायर करते हैं, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। और उसमें शायद ऐसा भी हो जाए कि वो एकेडमी आपको खुद फ्री में भी प्रैक्टिस करने दे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है कि फ्री में आपको जो चाहिए था प्रैक्टिस करनी थी वो भी मिल गया, और प्लस बदले में आपको वो क्या कोच असिस्टेंट कोच की जॉब करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ होगी। तो उस तरीके से भी आप बैलेंस कर सकते हो अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम हो रही है तो। अब देखो, इतने मैंने जितने भी सॉल्यूशंस दिए उसमें अगर आप एक भी यूज़ करने वाले हो या फिर अब कर रहे हो, तो एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि अपने पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें बता दो, ठीक है, कि भी आप क्या करने वाले हो या फिर क्या सोच रहे हो करने का, या फिर इवन आप क्या कर रहे हो, आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। इवन वो लोग आपको सपोर्ट भी करें इस चीज़ के लिए और कोई आइडिया भी दे दे कि भाई ये भी आप ऐड कर सकते हो या फिर ये भी आप कर सकते हो, तो आपका ही फ़ायदा होगा इनडायरेक्टली। तो वो चीज़ पेरेंट्स को शेयर ज़रूर करो, ठीक है, वो मेरी एडवाइस रहेगी कि भाई शेयर कर दो। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैंने 3-4 ऑप्शन दिए, तो अब यहाँ पे भी अटकना नहीं है। अब आप खुद 1 वीक 2 हफ्ता 1 महीना सोचो कि भाई आपके पास क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपका गोल है क्रिकेटर बनने का, तो इतने में क्या हार मान गए, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ, तो आपको यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो ये चीज़ आप सोचो कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, सॉल्यूशन है लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बस आई होप आज के लिए इतना ही, और अगर आपका कोई भी सवाल हो नीचे इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड जिस भी टॉपिक ने हमने बात की है, तो कमेंट करो नीचे। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।